हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू बायोलॉजी एकेडमी। मैं फैज अपने चैनल पे आपका फिर से वेलकम करता हूं। बेटा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था सीड एंड फोर्स ना। आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी ये क्या होता है आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये मेरे बारे में कुछ डिटेल से देख लीजिएगा। ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं एपोमिक्सिस होता क्या है। अगर बात की जाए एपोमिक्सिस की, ठीक है, बात की जाए अगर एपोमिक्सिस की, तो इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो तो होता है, यानी कि एम्ब्रियो बनता है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करता है। मिमिक करना मतलब कि उसकी नकल करना, नकल करता है कि हम किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे एम्ब्रियो बना सके। ठीक है, अब देखिए ये जो एपोमिक्सिस होता है ये बेसिकली होता है तीन तरीके का। पहला जो तरीका है वो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, ये जो वर्ड है ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में प्रोसेस समझाई गई है, इसीलिए मैंने ये वर्ड लिख लिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक, और ये हमें देखने को मिलती है साइप्रस, यानी कि ऐसे प्लांट जो खट्टे होते हैं, जैसे नींबू है, आम है, इन सब में देखने को मिलती है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे हम यहाँ पर बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। ठीक, और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल होता है। अब ये जो ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने ये दिखा दिया आप लोगों को। क्या है? ये ओव्यूल है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो यही जाना है कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इस ओव्यूल में। और ओव्यूल में कहाँ होता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा ओव्यूल है। ओव्यूल ध्यान से देखिए, ओव्यूल में क्या क्या है? इंटेगुमेंट्स है, और यहाँ पे ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है ढेर सारी, ये सेल्स कहलाती है न्यूसेलस। क्या कहलाती है? न्यूसेलस कहलाती है। ठीक है, तो ये न्यूसेलस याद रखिएगा, इंटेगुमेंट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे जो टाइप है वो है एडवेंटिव। ठीक, एडवेंटिव में क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द डिप्लॉयड न्यूसेलस सेल। अब देखिए, ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। वहां पर मैंने बताया था कि ये जो न्यूसेलस सेल्स होती हैं, ये न्यूसेलस सेल्स क्या होती हैं? न्यूसेलस सेल ये क्या है? ये डिप्लॉयड है, 2n है। ठीक है, इसी में क्या होगा, इसी में से कुछ सेल साइज में बड़ी हो जाती हैं। अब बड़ी होकर के वो बनाती है मेगा स्पोर मदर सेल, MMC। और ये जो MMC होती है ये भी क्या होती है? ये भी डिप्लॉयड होती है। ठीक, फिर इस MMC मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। अब मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा? मेगा स्पोर। और उसी मेगा स्पोर को हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, यह है मेगा स्पोर। और ये जो मेगा स्पोर होता है ये एम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर होती है मियोसिस। ठीक, इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये चीज जो अभी हमने समझाई है इसको याद रखिएगा। पूरे इस टॉपिक में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही यही है, और कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर रहेगा तो काम आसानी से हो जाता है। मानते कि नहीं? मानते हैं ना? तो चलिए शुरू करते हैं। पिंक कलर चेंज कर ले, आप लोग कहोगे नीला ही नीला पढ़ा रहा है आज। तो देखिए होता क्या है, ये जो न्यूसेलस सेल्स होती है ये डिप्लॉयड होती है, और यही सेल क्या होती है? मैच्योर होकर के एम्ब्रियो बना लेती है। यानी कि इस सेल से ये फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे ये कट जाता है इसे। ठीक है, इस सेल से
मेगा स्पोर मदर सेल नहीं बनेगी और मेगा स्पोर नहीं बनेगा, तो सीधे सीधे ये जो सेल्स होंगी न्यूसेलस की सेल्स होंगी या जो इंटेगुमेंट्स की सेल होती है, इंटेगुमेंट्स की सेल होती है, यही डिवाइड होकर के ग्रो होती है और ग्रो होकर के बना लेती है हमारा एम्ब्रियो। जैसे डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो डाइकॉट एम्ब्रियो में दो कॉटिलीडन हो गए, ठीक, ये डाइकॉट एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। और ये एम्ब्रियो होता कहाँ है, ये एम्ब्रियो होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो पूरे रीजन में यहाँ पर एम्ब्रियो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है एडवेंटी में, आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है वो सीधे सीधे न्यूसेलस सेल से डेवलप हो जाता है, या आप कह सकते हैं न्यूसेलस सेल ही डेवलप होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, टू एन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो सेकेंड होता है वो कहलाता है जी करेंट एपोमिक्सिस। क्या कहलाता है, जी करेंट एपोमिक्सिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। फिर वही कहानी हो गई, ये हमने बनाया, ठीक, यहाँ पे हमने ओव्यूल बना दिया, ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर ये है, और यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो सैक है, अब यहाँ पर भी देखिए वही कहानी हो गई, ये हमारी न्यूसेलस सेल्स है, न्यूसेलस में से हमने बताया था एक सेल मेच्योर हो गई, मेच्योर होकर के क्या बना लेगी, मदर मेगा स्पोर मदर सेल बना लेगी, ठीक है। तो न्यूसेलस सेल हो गई, न्यूसेलस क्या की, डेवलप होकर के बनाई मेगा स्पोर मदर सेल, ये मेगा स्पोर मदर सेल होती है डिप्लॉयड, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, इसके पहले वाले में हमने देखा था क्या, यहाँ पर मेगा स्पोर में मियोसिस हो रही थी और ये मेगा स्पोर बन रहा था, लेकिन रिकरेंट एपोमिसिस में ऐसा नहीं होता है, ये सेल बन गई, अब यही सेल डेवलप होकर के क्या बना लेगी, एम्ब्रियो बना लेगी, क्या बना लेगी, एम्ब्रियो बना लेगी। तो आपको दिख रहा है जब मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है तो एम्ब्रियो भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है, बस ये होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पर मेल गैमेट का कोई रोल नहीं है, चाहे आपका एडवेंटिव एम्ब्रियोनी हो यहाँ पर भी मेल गैमेट का कोई रोल नहीं है, चाहे आपका रिकरेंट एपोमिसिस हो यहाँ पर भी मेल गैमेट का कोई रोल नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बन जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप होता है एपोमिक्सिस का वो होता है नॉन रिकरेंट। क्या होता है, नॉन रिकरेंट। यहां पर भी वही कहानी आ गई, बना दिया हमने फीमेल, ये आपका ओव्यूल, ओव्यूल आपका ये ऐसा होता है, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या चेंज देखने को मिलता है, हम एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो के अंदर कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो में अंदर सेवन सेल एट न्यूक्लियस एक न्यूक्लियोटाइड, याद आ रहा है ना। तो यहां पर क्या होती है, यहां पर बीच में होती है एग सेल, क्या होती है, एग सेल होती है, ठीक है। और जब मेल गैमेट आता है इस एग सेल से फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, लेकिन नॉन रिकरेंट में ऐसा नहीं होता है, नॉन रिकरेंट पे आपका एग सेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि मेल गैमेट नहीं आता है। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है ये अनफर्टिलाइज एग से बनता है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो एग सेल होती है ये आपकी हैप्लॉयड होती है, क्या होती है, हैप्लॉयड होती है। एग सेल की कहानी भी देख लीजिए, ये हमारी न्यूसेलस है, ठीक है, न्यूसेलस सेल हो गई, न्यूसेलस होती है डिप्लॉयड, न्यूसेलस से बना क्या, मेगा स्पोर मदर सेल, ये भी क्या होती है, डिप्लॉयड,
इससे क्या बना? इससे आपका बना मेगा स्पोर। और मेगा स्पोर को ही हम लोग एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, ठीक है। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होती है? इट कंटेन एग सेल, ठीक। यहाँ पर मेगा स्पोर मियोसिस हो रही थी, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो, ये जो एग सेल होती है, ये हैप्लॉइड होती है, क्योंकि हम क्योंकि जो मेगा स्पोर होता है ये भी हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब ये जो एग सेल है, एग सेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेल गैमेट नहीं आएगा, और ये सेल डेवलप होकर के क्या बना लेगी? एम्ब्रियो बना लेगी। यही सेल जो हमारी है, ये सेल क्या होगी? एग सेल बना लेगी एम्ब्रियो। कैसे बनाएगी? डेवलप होकर के। और ये जो एम्ब्रियो होगा, ये हैप्लॉइड एम्ब्रियो होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। ये जो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस होती है, इसको हम लोग पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन। इसका जो सबसे सिंपल एग्जांपल है वो है बनाना। अब ये जो फ्रूट होते हैं, ये जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, ये हैप्लॉइड होते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है, इनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। या हम लोग कह सकते हैं जिनमें नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस होती है वो सीडलेस फ्रूट होते हैं। कैसे? सीडलेस फ्रूट, ठीक। आपको देखने को लग रहा होगा यहाँ पर कोई सीड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो जब सीड फॉर्मेशन नहीं होगा तो इनकी अगली जनरेशन सीड से ग्रो नहीं होगी। जब सीड ही नहीं है तो सीड हम लोग बोएंगे कहाँ? नहीं बोएंगे ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि इनकी जो स्टेम होती है अंडरग्राउंड स्टेम, उससे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो ये थी आज की कहानी एपोमिक्सिस की। ये जाकर के टॉपिक कंप्लीट हो गया एपोमिक्सिस, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी टॉपिक था। बस आप लोगों को ये चीज याद होनी चाहिए कि मेगा स्पोर बनता कैसे है और कहाँ कहाँ पे रुकावट आ रही है। आप लोग शुरू से अगर देखो तो यहाँ पर कहाँ पर रुकावट आ गई? न्यूक्लियस से मेगा स्पोर मदर सेल नहीं बना, ठीक है। तो ये कहलाता है एडवेंटिव, यानी कि जो न्यूक्लियस है वही एम्ब्रियो बना लिया। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल तो बना, लेकिन मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा, सॉरी, मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक नहीं बनेगा, सीधे सीधे एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे क्या होगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। और तीसरे में क्या है? एम्ब्रियो सैक तो बन गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बन गया। यहाँ पर प्लॉइडी भी लिखी है, ये आप लोग याद रखिएगा कि नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो होता है वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो होता है, ठीक है। अब देखिए एक टर्म आता है पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या आता है? पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है एक एम्ब्रियो साइट के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना। जैसे ये हमने एक एम्ब्रियो साइट बना दिया, ठीक है, या यही समझ लेते हैं ये हमारा एम्ब्रियो साइट है, ठीक। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो आ गए, तो यही कंडीशन कहलाती है पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या कहलाएगी? पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाएगी। और ये पॉलीएम्ब्रियोनी हमें देखने को मिलती है आपका इसी में, एपोमिक्सिस नहीं, पॉलीएम्ब्रियोनी भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म और है, वो हम समझा देते हैं। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हाइब्रिड सीड्स का, ठीक है, हाइब्रिड सीड। अब ये हाइब्रिड सीड क्या होते हैं? हाइब्रिड सीड ये वो सीड होते हैं जो डेवलप प्लांट की डेवलप्ड क्वालिटी के होते हैं। इसका एग्जांपल अगर हमें समझना है तो जैसे हमने मटर ली पी, ठीक है।
अभी जो मटर होगी हम क्या करेंगे, इस मटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। हम ऐसी मटर बनाना चाहेंगे जो मीठी हो और ज्यादा से ज्यादा मटर ग्रो करे, ठीक है। एक ही प्लांट के अंदर दो या दो से ज्यादा क्वालिटी हो, तो वो जो नई मटर हम बनाएंगे वो मटर कहलाएगी हाइब्रिड पी, यानी कि हाइब्रिड मटर, ठीक है। अब हाइब्रिड प्लांट के साथ एक दिक्कत ये आती है कि इनका जो सीड होता है ये हमें बार बार प्रोड्यूस करना पड़ता है। जो हाइब्रिड सीड होते हैं इनको हमें हर साल प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस एवरी ईयर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। मान लिया हमने एक हाइब्रिड सीड लिया, उसके अंदर हमने एक क्वालिटी ली कि वो मीठा है और दूसरी चीज क्या है वो ज्यादा नंबर में, तो मीठा के लिए हमने स्वीट ले लिया। ये क्लास 11 का पोर्शन समझाएंगे। ज्यादा नंबर के लिए हमने मोर एम नंबर एम ले लिया, ठीक है। तो एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर एक क्वालिटी है कि बहुत मीठा है और ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है। तो जब ये अपनी प्रोजनी बनाएंगे, यानी कि जब ये सीड बनाएंगे, तो सीड में क्या होगा, ये आएगा, ठीक है, गैमेट में एक एक जीन आ जाएगा। और अगर इसका किसी से फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लिए इसका रिसेसिव से फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में इसकी जो क्वालिटी है ये क्वालिटी खत्म होने लगेगी। यह आपको डिटेल में समझ में तब आएगा जब आप लोग क्लास 11 का पढ़ोगे हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन, सॉरी क्लास 12 में ये पढ़ाएंगे हम आगे, ठीक है। तो जब आप हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन पढ़ोगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा। तो ये आगे का टॉपिक है, ये आगे मैं आप लोग को समझाऊंगा, यहाँ पे अभी इसको रोके रहेंगे, ठीक। तो आज इतना ही था और आज ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एक मोटिवेशनल वीडियो है कि एग्जाम में कैसे ज्यादा नंबर स्कोर करें। अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो होगा, जल्दी हमारा वो वीडियो आएगा, एक दो दिन में आ जाएगा वीडियो, उसको जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही था, आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम लोग जो अगला चैप्टर शुरू करेंगे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग मेरा देखते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मेरा वीडियो देखते हो और आप लोग कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, बस इस पे लाइक पे क्लिक करोगे लाइक हो जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब पे क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए, तभी जाकर के मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।